नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर वन चैनल पेश है सियार अप्रैल गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश विदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के तिहाड़ से जेल से बाहर आने के बाद बड़ा ऐलान। का सही महीने बाद संजय सिंह आए बाहर और बोले जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल सूटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जैसे ही रात 8 बजे से महीने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए तो उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। समर्थकों के साथ उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल सूटेंगे। हो सकता है कि इस बयान के बाद एक बार फिर से संजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाए। इसी बीच आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर, ऑल टाइम देश के अंदर हाई लेवल पर पहुंचा सोना और चांदी। सोने और चांदी ने आज 4 अप्रैल को ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक एक तोले की सोने की कीमत 81,700 रुपए हो गई है। ये सबसे बड़ी कीमत है। वही अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। एक मेरी बहुत बड़ी स्कीम है, क्यों पूरे राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं होगा जिसमें नल से जल घर घर नहीं पहुंचेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। प्रदेश की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कर दिया बड़ा खेला और कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। 314 नेताओं ने थामा बीजेपी का थामन। राजस्थान में विभिन्न राजनीतिक दलों से आए पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और प्रधानों, जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों समेत 314 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ऐसे में भाजपा पार्टी ने यह बड़ा खेला खेल दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका भी लगा है। राजस्थान में अब जीत की हैट्रिक बनेगी। सदस्यता ग्रहण करने के बाद कांग्रेसी नेता बोले और भाजपा में शामिल होने के बाद बोले कि अब राजस्थान के अंदर जीत की हैट्रिक बनना आसान हो जाएगी। प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि राजस्थान में तीसरी बार सभी 25 सीटों पर भाजपा को विजय बनाकर हैट्रिक बनाएंगे। वही राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खुशखबरी, अब बच्चों को केंद्र पर ही मिलेगा गर्म भोजन। आंगनबाड़ी केंद्र के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनतर बच्चों को केंद्रों पर ही बना गर्म पोषण मिलेगा। पहले सहायिका घर से बनाकर लाती या फिर केंद्र पर चूल्हे आदि पर बनाया जाता था, इससे परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया है और बड़ा ऐलान किया गया है कि बच्चों को केंद्रों पर ही गर्म पोषण किया जाएगा। महिला एवं बाल विभाग उपनिदेशक ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अध्ययनतर 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को अब केंद्र पर ही गर्म भोजन मिलेगा। प्रत्येक केंद्र को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, यात्रियों की बल्ले बल्ले, अब राजस्थान में हुआ 14 स्पेशल ट्रेनों का पुनः विस्तार। यात्रियों की मांग है उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली 14 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों की फेरे पुनः विस्तारित किए जा रहे हैं। अब रेलवे में सफर करने वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब राजस्थान में रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है। राजस्थान में 14 स्पेशल ट्रेनों का पुनः विस्तार किया गया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, हाईटेक होंगे राजस्थान के 300 सरकारी स्कूल। राजस्थान के 300 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बच्चों को हाईटेक पढ़ाई जाएगा। यह राज्य सरकार की ओर से रोबोटिक्स लैब तैयार करवाई जाएगी, जहां नए सत्र से विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और AI व मशीन लर्निंग से जुड़े उपकरणों से नवाचार और आविष्कार करना सीख पाएंगे। इसके लिए राजस्थान राज्य शिक्षा परिषद चयनित स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहा है। इस योजना के तहत प्रदेश के अंदर 300 स्कूलों को हाईटेक बनाया जाएगा। वही प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में नए जिलों के मुताबिक अब स्कूलों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। राजस्थान के नए जिलों के मुताबिक अब शिक्षा विभाग का ऑनलाइन पुनर्गठन होगा। इस संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त अविशल चतुर्वेदी ने जानकारी दी। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों और संस्था प्रधानों को पत्र जारी किया है। इसके मुताबिक राजस्थान के नए जिलों के हिसाब से अब पुनर्गठन होगा स्कूलों का। आपको बता दें कि बड़ा बदलाव किया जाएगा। वही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर से दिल्ली की दूरी अब 33 किलोमीटर घटेगी। 10 महीने में पूरा होगा बगराना से बांदीकुई का एक्सप्रेसवे, 1 घंटे का बसेगा समय। जयपुर से दिल्ली वाया बांदीकुई जाने का सफर अब 33 किलोमीटर आसान घट जाएगा। वही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, SOG का डर, रात में सोरी शिपे पड़ते थे ट्रेनी SI। इसी बीच बड़ी खबर, SOG ने 11 और ट्रेनी SI को किया गिरफ्तार।
ऐसा ही भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक और डमी कैंडिडेट्स के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने देर रात 11 और ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है। साथ ही जोधपुर से एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक मामले में लिप्त इन एसआईओ को गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के मिश्र और मेथी के किसानों को बड़ी राहत, जीआई टैग लगेगा, बदलेगी किस्मत। राजस्थान में मारवाड़ मोटे अनाज के साथ मसालों का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। मारवाड़ की लाल मिर्च और पान मेथी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें भौगोलिक पहचान यानी जीआई टैग नहीं मिला है। देश में सबसे ज्यादा पान मेथी की पैदावार राजस्थान में होती है। अगर इन फसलों को भौगोलिक पहचान मिलती है तो इनके उत्पादन और विपणन और निर्यात में बड़ा फायदा होगा और किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। किसानों को इन फसलों का सही मूल्य दिलाने में भी मदद मिल जाएगी। दरअसल मथानिया की लाल मिर्च प्रसिद्ध है, नागौर की मेथी, ये पूरे देश के अंदर वर्षद है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के 21 उत्पादों को अब तक जीआई टैग मिल चुका है, लेकिन मेथी और मिर्च को नहीं मिला है। बता दें कि जीआई टैग होता है कि किसी वस्तु या उत्पाद की किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में हुई उत्पत्ति तथा उससे जुड़े गुणों को सूचित करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। ये उसी उत्पाद को दिया जाता है जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय से निर्मित या उत्पादित किया जा रहा हो। जीआई टैग मिलने के बाद कोई भी अन्य निर्माता समान उत्पादों को बाजार में लाने के लिए नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। भारत में यह 15 सितंबर 2003 से लग हो रखा है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बदलेगा मौसम, आंधी बारिश का भी अलर्ट जारी, विक्षोभ सक्रिय, 7 जिलों में अंधड़ और बारिश की चेतावनी। प्रदेश में बढ़ती गर्मी की रफ्तार हवा में मौजूद नमी के चलते फिलहाल फस्त है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों में प्रदेशवासियों को गर्मी के तीखे तेवरों से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने प्रदेश में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने का पूर्वानुमान जताया है, जिसके चलते प्रदेश के 7 जिलों में आज मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर और आसपास के मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में अगले सप्ताह बढ़ेगा सियासी पारा, भाजपा कांग्रेस के कई स्टार प्रचारकों के होंगे ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अगले सप्ताह और तेज हो जाएंगी। मतदान का दिन नजदीक आने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की रैलियां, रोड शो के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। मतदान का दिन नजदीक आते ही यह तैयारियां चल रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के दौरे भी फिलहाल तय हो गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी किसी एक रोड शो करने का प्रयास किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7 अप्रैल को राजस्थान में आएंगे, एक विशेष विमान के माध्यम से वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी यहां पर आपको बता दें कि अगले सप्ताह से एक्टिव हो जाएंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मायावती 17 अप्रैल से करेंगी राजस्थान में चुनावी रैलियों का आगाज। यूपी की पूर्व सीएम मायावती राजस्थान के चुनावी दौरे आएंगी। मायावती 17 अप्रैल को अलवर में जनसभा को संबोधित करेंगी। बसपा ने अलवर से फजल हुसैन को टिकट दिया है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर मायावती 17 अप्रैल से एक्टिव हो जाएगी और चुनावी रैलियों का आगाज करना शुरू कर देगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पूर्व सीएम गहलोत का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के पास ईमानदारी की वॉशिंग मशीन, पार्टी में जाते ही बना देती है ईमानदार। बाड़मेर दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम गहलोत ने भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के पास ईमानदारी की वॉशिंग मशीन है, पार्टी में शामिल होते ही लोग ईमानदार बन जाते हैं। ईमानदारी की वॉशिंग मशीन है, बीजेपी में जाते वो ईमानदार कैसे हो जाते हैं पता ही नहीं है। दो दो मुख्यमंत्री जेल में हैं, गहलोत ने गाएंगे कांग्रेस के खाते बंद कर दिए गए, दो दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अंग प्रत्यारोपण के फर्जी एनओसी के मामले में बड़ा एक्शन, एमईसी ने तय की 5 सदस्यीय कमेटी गठित। राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश में मानव अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी मामले एवं निजी अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण प्रकरण के संबंध में जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में 5 टीमों उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। ये समिति 15 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पीएम मोदी राजस्थान में आएंगे 6 अप्रैल को नागौर में। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी एक बार फिर राजस्थान आ रहे हैं। कोटपुतली के बाद वो अब राजस्थान में उनका नागौर दौरा तय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने लोकसभा चुनाव का धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है।
अभी दो दिन हुए हैं केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान आ चुके हैं। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 6 अप्रैल को राजस्थान के नागौर जिले में आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय नेताओं के प्रदेश के दौरे धुआंधार होने वाले हैं। कोटबदली के बाद 6 अप्रैल को फिर से राजस्थान के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। 5 अप्रैल को भी राजस्थान दौरे पर हैं पीएम मोदी। आपको बता दें कि 5 अप्रैल को पीएम मोदी चूरू में जनसभा कार्यक्रम करेंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अहम खबर आ रही है, सभी सरकारी और कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए जींस टी शर्ट पहनकर आने पर लगी रोक। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, अब राजस्थान के अंदर सभी सरकारी कार्यालयों के अंदर और कर्मचारी जींस और टी शर्ट नहीं आ पा सकेंगे। जींस और टी शर्ट पहनने पर रोक लग चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। ये प्रक्रिया सरकार ने सही अपनाई है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।